23 मई को लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना को सकुशल निपटाने के लिए सोमवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में मतगणना कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 23 तारीख को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाली मतगणना के लिए मतगणना अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता की मौजूदगी में एनेक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। गोरखपुर व बांसगांव संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतदान प्रक्रिया को सकुशल निपटाने के बाद आगामी 23 मई को होने वाली मतगणना को सकुशल निपटाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार को एनेक्सी भवन में मतगणना में लगे कार्मिकों और अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि वह प्रशिक्षण में मिलने वाली जानकारियों का मतगणना के दौरान पालन करें। कार्मिकों को वोट की गिनती करने के साथ ही ईवीएम व वीवीपैट के मिलान के बारे में भी जानकारी दी गई। मतगणना कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण में मिलने वाली जानकारियों को वह ठीक से समझ ले, जिससे मतगणना के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मतगणना के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। गोरखपुर लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं और उन सबका काउंटिंग उसमें से 4 विधानसभाओं का दीक्षा भवन पर है। दीक्षा भवन के दाएं बाएं लगाए गए हैं और एक उससे सटे कन्वेंशनल हॉल में। तो इस प्रकार से गोरखपुर लोकसभा से संबंधित जितने भी काउंटिंग पार्टीज हैं वो दीक्षा भवन के आसपास पहुंचेगी और वहां उनको पता चल जाए तो उस विधानसभा की किस टेबल पर जाना है। जिनकी ड्यूटी 5 गांव की लोकसभा में निहित विधानसभाओं में जाके करनी है उनके लिए 8 फैकल्टी निर्धारित है। बैडमिंटन हॉल खजनी के लिए कौन सी बूथ का कंट्रोल यूनिट आना है। वहां पर सुबह आपको मतगणना टेबल लगे हुए हैं। दूसरी रो में 8 से लेकर 14 तक काउंटिंग टेबल लगे हैं। पहला राउंड में जो उस विधानसभा के क्रम से 1 से लेकर 14 नंबर के बूथ हैं, पहला जो राउंड शुरू होगा तो 1 नंबर टेबल पर उस विधानसभा के 1 नंबर का बूथ आएगा, दूसरे टेबल पर दूसरा नंबर का बूथ आएगा। इस तरह से कुल 14 बूथ क्रम से 1, 2, 3, 4 करके 14 बूथ पहले राउंड में आ जाएंगे। और नेक्स्ट राउंड में आपका कौन सा बूथ का कंट्रोल यूनिट आएगा, जो पिछला जिस नंबर का आया या मान लीजिए आप टेबल नंबर 4 पर है तो उस पर पहले राउंड में 4 नंबर बूथ का आएगा कंट्रोल यूनिट और उसमें हर बार 14 प्लस करते जाइए और आपका पता हो जाएगा कि अगले राउंड में हमारा कौन सा कंट्रोल यूनिट किस बूथ का आएगा। यहाँ से तो इससे जस्ट नीचे से यह बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक बना हुआ। पहला काम उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उठाए कैरेज केस में, कैरेज केस को खोलने से पहले उस पर जो एड्रेस टैग लगा हुआ है उस एड्रेस टैग पर आप उस कैरेज केस को खोले। कैरेज केस को खोल करके किनारे कहीं साइड में लगा दे और उसके बाद उसमें से निकली हुई कंट्रोल यूनिट उसमें 2 चीजों को आपको जरूरत पड़ेगी। एक उसमें ये देख ले 5वें नंबर गोरखपुर लोकसभा का काउंटिंग कर रहे हैं। यदि आप 5 नाम लोकसभा का काउंटिंग कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 1 से 5 हो गया कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जिसकी काउंटिंग की जानी है।